ग्वालियर की जहां पर टिकट वितरण से नाराज भाजपाइयों के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, सभी अच्छे प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता अपने काम पर लग गए हैं। वहीं कांग्रेस के सरकार बनाने के दावे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो दावा करने के लिए स्वतंत्र है और हम लोगों ने जो काम किया है और उसके आधार पर जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा उसके बलबूते पर फिर से सूबे में बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की 2 को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और सभी अच्छे प्रत्याशी हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लग गए हैं। थोड़ी बहुत मतभिन्नता रहती है क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस भी दावा कर रही है क्या? वो दावा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम लोगों ने जो किया है उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद मांगा।